और भाग्य। इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वह कि जीवन में हमें दोनों आवश्यक है, बुद्धि का साथ भी और भाग्य का साथ भी। मनुष्य के जीवन में अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसके पास बुद्धि भी होना चाहिए और उसे थोड़ा बहुत भाग्य का भी साथ मिलना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के सहायक है, एक दूसरे के बिना दोनों का प्रयोग ठीक से हमारे जीवन में सफलता नहीं ला सकती है। यह एक लोक कथा है, लोक कथा है और लोक कथा किसी भी देश की संस्कृति रीति रिवाजों का परिचायक है। और जो हमें लोक कथाएं देती है वह है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा हमें हमारे देश की लोक कथाओं से ही मिलती है। इस कहानी द्वारा भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति के जीवन में बुद्धि का महत्व अधिक है, भाग्य से भी ज्यादा बुद्धि का महत्व व्यक्ति के जीवन में है। इस कहानी के कुछ प्रमुख पात्र है बुद्धि, भाग्य और गड़ैया। तो इस कहानी को बच्चों जब तुम घर पे पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बुद्धि और भाग्य ने किस प्रकार गड़ैयों को मोहरा बनाकर एक दूसरे से जंग लड़ी और एक दूसरे को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश की है, प्रमाण करने की कोशिश की है। तो इस कहानी को जब पढ़ोगे तो तुम्हें यह भी पता चलेगा कि हमारे जीवन में भाग्य से ज्यादा बुद्धि का ही महत्व है। यह कहानी कैसे मैं संक्षेप में बता रही हूँ। इस कहानी में एक गरड़िया है, इस गरड़िये को लेकर भाग्य और बुद्धि दोनों अपना खेल खेल रहे हैं। वे दोनों बोल रहे हैं कि कौन बड़ा है, भाग्य की कृपा हो जाए तो बिना बुद्धि के भी वह गरड़िया अपने जीवन में सफल हो सकता है। ऐसा कहकर भाग्य और बुद्धि दोनों एक दूसरे से एक जंग लड़ रहे हैं। तो बुद्धि मुस्कुराती हुई बोलती है कि ठीक है, अगर मैं गरड़िये का साथ छोड़ दूं तो देखती हूँ कि तुम भाग्य इसका सा हाथ पकड़ लो तो मैं देखती हूँ कि तुम किस तरह गरड़िये को अपने जीवन में आगे बढ़ा सकते हो। तो गरड़िया है जो कि गरड़िये का अर्थ बच्चों तुम लोग जानते हो, जो भेड़ और बकरियों को घूम घूम कर चराता है और काफी निर्धन प्रकृति का गरड़िया होता है। तो बुद्धि मुस्कुराती हुई बोलती है ठीक है, अब मैं दूर जाकर एक दर्शक की तरह खड़ी हो जाती हूँ और देखती हूँ कि तुम किस तरह गरड़िये की मदद करते हो। तो भाग्य ने देखा कि गरड़िया नंगे पांव चल रहा है तो उसने उसे एक रत्न जड़ित खड़ाऊ दे दिया। अब गरड़िये ने, क्योंकि बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया, तो गरड़िये को वो रत्न जड़ित खड़ाऊ भी एक साधारण सी खड़ाऊ है और वह उसे पहनकर घूमने लगा और उसे पहनकर ही वह भेड़ बकरियों को चराने लगा। एक दिन दूसरे देश का एक सौदागर वहां से गुजर रहा था, अचानक उसकी नजर उस गरड़िये के पैरों पर पड़ी। उसने हैरानी से उस खड़ाव को देखा कि अरे इस निर्धन गरड़िये के पास ये रत्नजड़ित खड़ाव कैसे आ गया। तो फिर उसने गरड़िये से बात की और पूछा कि तुम्हारे पास ये खड़ाव कहाँ से आया। तो उसने कहा कि ये तो पत्थर की है और बड़ी भारी है, घिसती भी बिल्कुल नहीं है। गरड़िये ने सरल भाव से उत्तर दिया। अब देखो बच्चों, रत्नजड़ित खड़ाव को बेचकर तो गरड़िया निर्धन से अमीर बन सकता था और अपने जीवन को बदल सकता था, लेकिन बुद्धि ने उसका साथ नहीं दिया है। बुद्धि ने उसे छोड़कर दूर खड़ी दर्शक की तरह देख रही है, इसलिए गरड़िया का भाग्य ने उसे जब साथ दिया, उसे रत्नजड़ित खड़ाव भी दिए, लेकिन फिर भी गरड़िया को वह पता नहीं चला, उसे वह साधारण एक पत्थर का खड़ाव लगा। तो गरड़िये ने सौदागर जो कि बहुत चालाक था क्योंकि उसके पास बुद्धि थी, उसने बोला कि तुम इसे बेचोगे। तो उसे तो लगा कि ये पत्थर का है, कौन खरीदेगा। हाँ हाँ मैं तुम्हें दे दूंगा। ये गरड़िये ने खुशी खुशी वह खड़ाव सौदागर को दे दिया। अब सौदागर बड़ी प्रसन्नता से एक चने की बोरी रखवाई वहां पर गरड़िये के पास और वह रत्नजड़ित खड़ाव लेकर वह आगे बढ़ गया। इधर गरड़िये को फिर से नंगे पांव देखकर भाग्य ने उसे फिर से एक रत्नजड़ित खड़ाव दे दिया। पर आश्चर्य की बात है कि गरड़िये को यह भी अच्छा नहीं लगा। गरड़िये को लगा कि पता नहीं ये कहां से ये खड़ाव मुझे मिल जाती है, ये पत्थर की खड़ाव है, बड़ी ही अटपटा सा है, जो पहनने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। अब गरड़िये ने फिर से वह खड़ाव पहनकर वह एक व्यापारी के सामने, उस दिन वहां से एक व्यापारी गुजर रहा था, उस व्यापारी ने भी गरड़िये से वह खड़ाव लिया और उसके बदले में उसे कुछ देकर आगे बढ़ता गया। इस बार उसने उसे 2 पूरी चने दे दी और 10 भेली दूध गरड़िये की झोपड़ी में रखवा दिए और खड़ाव लेकर वह अपने राह चलने लगा। अपना देश जाकर उस व्यापारी को सम्राट मिला और उसने वह खड़ाव उस सम्राट को
रक्त जनित घाव तो बहुत ही बेशकीमती होते हैं। सम्राट ने सौदागर की प्रार्थना स्वीकार कर ली और पुरस्कार के तौर पर उसे 1,00,000 मुद्राएं भी दे दी। वह भारत सम्राट के कोई जवान पुत्र थी, अभी वे खुद जवान और अविवाहित है, बड़े ही शांत और सज्जन है। सौदागर के पास अब झूठ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। वह हर तरह से सम्राट को खुश करना चाहता था। ये रक्त जनित खड़ाव जब सौदागर ने सम्राट को दिया तो सम्राट ने पूछा कि यह खड़ाव कहाँ से मिला। तो उन्होंने कहा कि यह भारत सम्राट के जवान पुत्र का है,